Hello everyone, in this video we will do functions in Python. So what are functions? Large programs are often difficult to manage. Thus large programs are divided into smaller units known as functions. जो बहुत large programs होते हैं, बड़े programs होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको छोटे छोटे programs में divide कर दिया जाता है. Okay, और इन छोटे छोटे programs को क्या कहा जाता है, functions कहा जाता है, right? जैसे softwares होते हैं, softwares क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े उसमें code होते हैं, right? तो क्या होता है, उन पूरा कंप्लीट कोड को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है. बट अगर आप कोड को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर देते हो, तो उसको मैनेज करना बहुत इजी है, राइट. फंक्शंस कैन बी डिफाइंड एज अ नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क, राइट. तो फंक्शन क्या है, एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है. आपने कोड लिखा, ठीक है, उसके अंदर आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे, तो वो फंक्शन क्या करेगा, उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा. ओके, उनके अकॉर्डिंग कुछ पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगा, काम करेगा, राइट. व्हेन इट इज इन्वोक्ड और कॉल्ड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, और वो काम कब करता है फंक्शन, जब उसको इन्वोक किया जाता है, जब फंक्शन को कॉल किया जाता है प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट से, राइट. मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि कैसे. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास पावर पॉइंट है. ओके, अगर आप बिगनिंग पे क्लिक करते हो, इस पर्टिकुलर आइकन पे क्लिक करते हो, राइट, तो यहाँ पे ये ओपन हो गया. ओके, यहाँ पे होम टैब को अगर आप क्लिक करोगे तो होम टैब के ऑप्शंस आ गए, राइट. इंसर्ट टैब पे आप क्लिक कर रहे हो तो इंसर्ट टैब के ऑप्शंस आ गए. तो यहाँ पे क्या है, होम टैब पे आपने क्लिक किया तो इसने कुछ फंक्शन परफॉर्म किया, इसने अपने आइकन्स को शो किया. आपने इंसर्ट टैब पे क्लिक किया तो इंसर्ट के आपके पास ऑप्शंस आ गए. तो ये जो पर्टिकुलर आपके पास सॉफ्टवेयर है, राइट, इसके बैकएंड में क्या है, कोडिंग की गई है, राइट. और होम बटन को एक फंक्शन प्रोवाइड किया गया है जिसकी हेल्प से क्या करता है, ये अपने आइकन्स को शो करता है. आइकन्स जो पर्टिकुलर आइकन्स है, कट कॉपी पेस्ट लाइक दिस, लेआउट रीसेट, अगर आप इन पे भी क्लिक करते हो तो ये क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, राइट. तो ये पूरा जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर है उसको छोटे 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 फंक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है, और हर फंक्शन का अपना एक पर्टिकुलर क्या है, टास्क है. जैसे डिजाइन है, डिजाइन के थ्रू आपको टेम्पलेट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, एनिमेशन में आप एनिमेशन देख सकते हो. तो इन सब के पीछे क्या है, इन सब के पीछे फंक्शंस है जो ये क्या कर रहे हैं, जो ये शो कर रहे हैं, फाइन. Now, once defined, a function can be called repeatedly from different places of the program without writing all the codes for that function every time. आपने एक बार function को लिख लिया, right? आपने function के अंदर जो भी instructions, जो भी command लिखने हैं, वो आपने एक बार लिख लिए, right? अब आपको उसको बार बार रिपीटेडली उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. आप उस फंक्शन का कोड अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और आप जितने टाइम्स चाहें उतने टाइम्स उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. कॉल करने का मतलब होता है आप उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा सकते हो, राइट. और इट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम इनसाइड अनदर फंक्शन, आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर भी क्या कर सकते हो, कॉल करवा सकते हो, मतलब उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो बाय सिंपली राइटिंग द नेम ऑफ द फंक्शन. और कॉल करने के लिए आपको क्या करना होता है, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना होता है एंड पासिंग द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स. और अगर पैरामीटर्स पास करने हैं फंक्शन में, आपको कुछ वैल्यूज पास करनी है, तो वो आप वैल्यूज पास कर सकते हो, राइट. तो क्या है, फंक्शन बहुत यूजफुल है. आपने कोड लिखा, राइट, उसको एक नेम दिया, वो आपका फंक्शन बन गया. उस कोड को आप प्रोग्राम में कहीं पर भी कैसे भी यूज कर सकते हो, राइट. द प्रोग्रामर कैन डिफाइन एज मैनी फंक्शंस एज डिजायर्ड व्हाइल राइटिंग द कोड. जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने कोड में जितने चाहे उतने फंक्शंस बना सकते हैं. इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतने ही फंक्शंस बनाने हैं. आप लिमिटलेस फंक्शंस बना सकते हो. जितना बड़ा कोड है, अगर आप उसको उतने ज्यादा फंक्शंस में डिवाइड कर दोगे तो वो उतना ही आपके लिए क्या होगा, इजी टू हैंडल हो जाएगा, राइट. नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ फंक्शंस. फंक्शंस के टाइप्स, बिल्ट इन फंक्शंस, फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल, यूजर डिफाइंड फंक्शंस. ओके, नाउ वी विल गेट टू नो अबाउट दीज, राइट. बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस जो मॉड्यूल में डिफाइन किए जाते हैं वो क्या होते हैं, और यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, राइट. अब टाइप्स ऑफ फंक्शन से पहले एक चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है, वो क्या है, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. ओके, पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है. पाइथन हैज अ वेरी एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. पाइथन जो आपके पास क्या है, जो
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट right? उसकी क्या है, एक एक उसकी एक बहुत एक्सटेंसिव मतलब बहुत बिग एक लाइब्रेरी है, और उसमें क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी बिल्ट इन फंक्शन, जो आपको बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन प्रोवाइड करता है, प्री डिफाइंड फंक्शन जो पाइथन में ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको वो नहीं बनाने पड़ते, राइट right? आप सिर्फ उनको यूज कर सकते हो, उनकी फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हो. That can be called in the program. आप Python के built-in functions को अपने program में call कर सकते हो as and when required, जब भी आपको वो functions चाहिए, right? Thus saving programmers time of creating those commonly used functions every time. तो यहाँ पे programmer को छोटे छोटे functions create करने की, खुद बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Python की जो library है, राइट ओके, वो आपको बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करती है, राइट right? तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के, पाइथन की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, वहां पे आपको बिल्ट इन फंक्शंस भी मिल जाते हैं और मॉड्यूल्स भी मिल जाते हैं, राइट right? मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल इज द कलेक्शन ऑफ फंक्शन, ओके मॉड्यूल्स भी क्या होते हैं, फंक्शन कलेक्शन होता है फंक्शन का, राइट right? अब यहाँ पे फंक्शन देखो, आपको यहाँ टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एंड यूजर डिफाइंड. यूजर डिफाइंड कौन से हैं, जो हम लोग बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग, राइट जो यूजर बनाएगा, ओके एंड जो आपको पाइथन प्रोवाइड कर रहा है, जिसके लिए आपको खुद से कुछ नहीं करना, वो कौन से हैं, वो पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रही है, और वो कौन से है, बिल्ट इन फंक्शंस है, और फंक्शंस कौन से, जो मॉड्यूल के अंदर है, ठीक है. तो यहाँ पे बिल्ट इन एंड मॉड्यूल फंक्शन आपको पाइथन खुद दे रहा है, एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन आप क्रिएट करोगे, यूजर क्रिएट करेगा, ओके ओके. सो फर्स्ट वी हैव बिल्ट इन फंक्शंस. बिल्ट इन फंक्शंस आर द रेडीमेड फंक्शंस इन पाइथन दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द प्रोग्राम्स, ओके. तो हमें पता चल गया है बिल्ट इन फंक्शंस कौन से हैं, जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, रेडीमेड फंक्शंस हैं, जो पाइथन खुद हमें देता है यूज करने के लिए, ओके. दीज आर प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यूज. इन ऑर्डर टू यूज दिस फंक्शन देयर इज नो नीड टू इम्पोर्ट एनी मॉड्यूल. और इन फंक्शन को यूज करने के लिए, बिल्ट इन फंक्शन को यूज करने के लिए, आपको कोई भी मॉड्यूल को इम्पोर्ट नहीं करना है, राइट right? आप उसको सिंपली ऐसे ही यूज कर सकते हैं. वी कैन डायरेक्टली यूज देम इन आर प्रोग्राम, ओके. तो जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है, प्रोग्राम टू कैलकुलेट स्क्वेयर ऑफ अ नंबर. आपने एक वेरिएबल लिया a, ओके इंट एंटर अ नंबर, ओके आप एंटर कराओगे नंबर, और यहाँ पे देखो इंट फंक्शन यूज हो रहा है, इनपुट फंक्शन यूज हो रहा है, राइट इनपुट फंक्शन से आप क्या कर रहे हो, नंबर को एंटर करा रहे हो, और जो भी नंबर एंटर होगा वो इंट फंक्शन की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इनपुट फंक्शन एज अ स्ट्रिंग वैल्यू लेगा, ठीक है ओके. जो भी नंबर आप एंटर करोगे वो स्ट्रिंग फॉर्म में एंटर होगा, लेकिन इंट फंक्शन उसे क्या करेगा, उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा. तो यहाँ पे देखो इनपुट एंड इंट फंक्शन क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है जो पाइथन ने हमें दिए हुए, ओके. नेक्स्ट आपने क्या किया, ओके जो भी वैल्यू आई उसका क्या किया, आपने उसका स्क्वायर निकाला और प्रिंट करा दिया. अब यहाँ पे प्रिंट फंक्शन क्या है, प्रिंट फंक्शन भी एक बिल्ट इन फंक्शन है, राइट प्रिंट फंक्शन आप सिंपली यूज कर रहे हो, आपने इसके लिए कोई कोडिंग नहीं की है, ओके. तो इन द अबव प्रोग्राम इनपुट इंट एंड प्रिंट आर द बिल्ट इन फंक्शंस, ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं. द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर दीज बिल्ट इन फंक्शंस आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द पाइथन इंटरप्रेटर. तो यहाँ पे ये क्या है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है पाइथन के इंटरप्रेटर में, फाइन ओके. तो यहाँ पे इन फंक्शंस के लिए आपको कोई भी कोडिंग नहीं करनी है, कोई भी आपको इस कोड नहीं लिखना है, राइट right? आप इसको सिंपली एज इट इज यूज कर सकते हो, ओके ओके. तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस का यूज. यहाँ पे मैंने इंट फंक्शन का यूज किया है, ये क्या है, मेरा बिल्ट इन फंक्शन है, ओके इनपुट दे दिया, इनपुट भी मेरा क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है, जो क्या करेगा, यूजर से इनपुट कराएगा वैल्यू को, ओके. मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर अ नंबर, फाइन एंटर अ नंबर, राइट. और मैंने ले लिया यहाँ पे वेरिएबल बी, जिसके अंदर ए इंटू ए आ जाएगा, सिंपल. एंड प्रिंट फंक्शन जो मेरा क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है, मैंने यहाँ पे उसका यूज किया, और यहाँ पे आप स्टेटमेंट दे दो, द स्क्वेयर ऑफ ए इज B, right? Now execute this. The square of A is, wait, यहाँ पे आपने दे दिया, okay? A is
बी, राइट, एग्जीक्यूट. ओके, सो वी हैव टू एंटर एनी नंबर, तो मैंने यहाँ पे 4 दे दिया. सो सी द आंसर, द स्क्वायर ऑफ ए इज 16, द स्क्वायर ऑफ ए इज 16, ये आपका आंसर आ गया, राइट. तो यहाँ पे आपको क्या मैंने शो किया है, बिल्ट इन फंक्शन, इंट, इनपुट, प्रिंट, तो ये आपके क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है. ओके, हेयर वी हैव सम एग्जाम्पल्स ऑफ बिल्ट इन फंक्शन, आपके इनपुट आउटपुट फंक्शन लाइक इनपुट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन, डेटा टाइप कन्वर्जन, बूल, कैर, इन फ्लोट. ओके, ये आपके क्या है, डेटा टाइप कन्वर्जन बिल्ट इन फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन. ओके, डिव मोड, ओके, मैक्स, मिन, पावर, सम, राइट, एंड अदर फंक्शन लाइक लेन, रेंज टाइप. तो ये किसके एग्जाम्पल है, ये आपके बिल्ट इन फंक्शन के हैं जो पाइथन आपको प्रोवाइड करता है. ओके, अभी हमने किया बिल्ट इन फंक्शन, नेक्स्ट हमारा क्या है, फंक्शन डिफाइंड इन द मॉड्यूल, राइट. बट इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉड्यूल होता क्या है. फंक्शन डिफाइंड इन द मॉड्यूल, जो फंक्शंस मॉड्यूल के अंदर डिफाइन होते हैं, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मॉड्यूल क्या होता है. अदर देन द बिल्ट इन फंक्शंस, द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ मॉड्यूल्स. तो ये क्या कह रहा है कि पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में बिल्ट इन फंक्शंस तो होते ही हैं, ओके, इसके साथ साथ बहुत सारे मॉड्यूल्स भी होते हैं. ओके, तो व्हाइल अ फंक्शन इज अ ग्रुपिंग ऑफ instruction, function क्या है, function is a grouping of instructions, right? Function क्या है, collection of instructions है, और you can see collection of commands है. okay? और module क्या है, module is a grouping of functions, और एक module क्या होता है, it is a collection of functions. Are you getting my point? देखो, Python की standard library के अंदर built-in functions भी हैं और बहुत सारे modules भी हैं. Okay? जब आप क्या करते हो, functions को collect करते हो एक particular unit में, right? ये आपने, आपका function 1 है, ये आपका function 2 है. Okay? आपने functions को collect किया है एक particular unit में, तो उस unit को कहा जाता है module. राइट, उस मॉड्यूल, उस यूनिट को कहेंगे मॉड्यूल. और फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस के अंदर होते हैं इंस्ट्रक्शंस, राइट, दैट वी नो. तो जब आप कलेक्शन ऑफ फंक्शंस करते हो, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस क्या होता है, मॉड्यूल, फाइन. फॉर अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इट मे नॉट बी फिजिबल टू मैनेज द कोड इन वन सिंगल फाइल, देन द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स अंडर डिफरेंट लेबल्स कॉल्ड मॉड्यूल. तो ये क्या कह रहा है, जब आपके पास बहुत बड़ा कोड होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको एक एक क्या कर सकते हो, सिंगल फाइल को मैनेज नहीं कर सकते, मतलब कंप्लीट कॉम्प्लेक्स कोड को आप मैनेज नहीं कर सकते. यहाँ पे आप क्या करते हो, प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में, राइट. तो उनको क्या कहा जाता है, मॉड्यूल्स कहा जाता है. ऑल्सो सपोज वी हैव क्रिएटेड सम फंक्शंस इन अ प्रोग्राम एंड वी वॉन्ट टू रीयूज देम इन अनदर प्रोग्राम. अगर आप चाहते हो, आपने क्या किया, कुछ फंक्शंस क्रिएट किए एक प्रोग्राम में, और आप चाहते हो ये फंक्शंस आप किसी दूसरे प्रोग्राम में भी यूज कर सको, ओके, इन दैट केस वी कैन सेव दोज फंक्शंस अंडर अ मॉड्यूल एंड रीयूज देम. इस केस में आपको क्या करना है, उन फंक्शंस को मॉड्यूल की फॉर्म में सेव कर लेना है, सो दैट यू कैन एक्सेस देम इन अदर प्रोग्राम्स ऑल्सो, राइट. इससे क्या होगा, आप दूसरे प्रोग्राम्स में भी उनको यूज कर सकते हो. A module is created as a python.py file containing a collection of functions definition. तो module बनाने के लिए आपको क्या करना है, functions को एक फाइल के अंदर स्टोर करना है, और वो फाइल, उस फाइल की एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए, .py उसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए, राइट. और मॉड्यूल बनने के बाद आप मॉड्यूल को कहीं पर भी यूज कर सकते हो. समझ आया, पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में बिल्ट इन फंक्शन भी होते हैं और मॉड्यूल भी होते हैं. फंक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, राइट. और मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल इज द कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, राइट. ओके, आप जब फंक्शंस को कलेक्ट करते हो एक पर्टिकुलर फाइल में, वो क्या बन जाता है, मॉड्यूल, राइट. और मॉड्यूल को आप एक फंक्शन क्या कर सकते हो, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हो. आपने एक बार मॉड्यूल को क्रिएट कर लिया, उस मॉड्यूल को आप अलग अलग प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हो, फाइन. ओके, आपने मॉड्यूल को क्रिएट किया, राइट, आपने उसको एक फाइल के अंदर स्टोर किया,
राइट, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को एक फाइल में, मतलब फंक्शंस को आपने फाइल में स्टोर किया, वो क्या बन गया आपका मॉड्यूल, आपने डॉट पी वाई एक्सटेंशन से उसको सेव कर लिया, राइट right? अब आप उसको यूज कैसे करेंगे? टू यूज अ मॉड्यूल वी नीड टू इम्पोर्ट द मॉड्यूल. अगर आपको इस पर्टिकुलर फाइल को किसी प्रोग्राम में यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, राइट right? उस प्रोग्राम में इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा. वंस वी इम्पोर्ट अ मॉड्यूल वी कैन डायरेक्टली यूज ऑल द फंक्शन ऑफ दैट मॉड्यूल. एक बार आपने एक मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया तो उसके अंदर आपने जितने भी फंक्शंस उस मॉड्यूल के अंदर हैं, आप उन सारे फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो. ओके, द सिंटैक्स ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट इज एज फॉलोज. और इसकी जो स्टेटमेंट होती है, राइट, आप कैसे इंपोर्ट करोगे, उसका क्या सिंटैक्स है, इंपोर्ट और मॉड्यूल का नाम, राइट, मॉड्यूल नेम वन, मॉड्यूल नेम टू. आप एक साथ मल्टीपल मॉड्यूल्स को भी इंपोर्ट कर सकते हो या फिर सिंगल मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर सकते हो, राइट. This give us access to all the functions in the module. मैंने अभी बताया, आपने जिस भी मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया आप उसके सारे फंक्शंस को यूज कर सकते हो. टू कॉल अ फंक्शन ऑफ अ मॉड्यूल द फंक्शन नेम शुड बी प्रिसीडेड विद द नेम ऑफ द मॉड्यूल विद द डॉट सेपरेटर. अगर आपको एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के एक पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना है, राइट, यूज करना है, तो आप कैसे करोगे, आप पहले मॉड्यूल का नाम लिखोगे, डॉट फंक्शन का नाम लिखोगे, राइट, मॉड्यूल का नेम एंड देन फंक्शन का नेम. सम कॉमनली यूज मॉड्यूल्स आर मैथ, रैंडम, स्टेटिस्टिक्स, राइट. ये पाइथन के कुछ मॉड्यूल्स हैं जिनके नेम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, मैथ, रैंडम, स्टेटिस्टिक्स, राइट. पाइथन इज केस सेंसिटिव, ऑल द मॉड्यूल नेम्स आर इन लोअर केस. तो आपको ये ध्यान रखना है, पाइथन हमारी कौन सी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. तो अगर आप मॉड्यूल नेम्स दे रहे हो तो आपको इनको लोअर केस में देना है. ओके ओके, हमें पता चल गया मॉड्यूल क्या होता है. अब हम क्या करेंगे, फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल्स, राइट. दीज फंक्शंस आर प्री डिफाइंड इन पर्टिकुलर मॉड्यूल्स. ये फंक्शंस क्या होते हैं, एक मॉड्यूल्स के अंदर प्री डिफाइंड होते हैं. ओके, दीज फंक्शन कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन द कॉरस्पॉन्डिंग मॉड्यूल्स इज इम्पोर्टेड. और आप देखो, पाइथन की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वो आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स प्रोवाइड करती है, और उन मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस है, राइट. और दीज फंक्शंस कैन बी यूज्ड When the corresponding module is imported. और आप जब भी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को इम्पोर्ट करोगे उसके सारे फंक्शन आप यूज कर सकते हो, राइट. सम कॉमनली यूज फंक्शन इन मैथ मॉड्यूल. अब यहाँ पे दिखाया हुआ कि अगर मैथ मॉड्यूल इम्पोर्ट करते हो तो उसके कुछ फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हो, स्क्वेयर रूट, पावर, फैक्टोरियल, एफ मोड, फ्लोर, सिन, कॉस, एक्सेट्रा, राइट. सम कॉमनली यूज फंक्शन इन द रैंडम मॉड्यूल, रैंडम, रैंड इंट, रैंड रेंज, राइट, ये आप यूज कर सकते हो. Some of the function available through the statistics module, mean, median, mode, okay. आप statistics module के mean, median, mode functions को use कर सकते हो. तो ये functions हैं, कौन से functions हैं, functions defined in module. इन functions को use करने के लिए आपको module को import करना ही पड़ेगा, otherwise आप इन functions को use नहीं कर सकते, right? okay. अब जैसे मैं क्या करती हूँ, मैंने स्क्वेयर रूट निकालना चाहती है तो स्क्वेयर रूट फंक्शन का यूज कर रही हूँ, और मैंने यहाँ पे ले लिया 9. ओके, राइट, ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है जो मॉड्यूल के अंदर डिफाइन होता है, फाइन. बट मैंने अभी यहाँ पे कोई भी मॉड्यूल इम्पोर्ट नहीं किया है, मैंने सिंपल ऐसे इसको यूज करके देख रही हूँ स्क्वेयर रूट फंक्शन का, राइट. इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, देखो यहाँ पे एरर आ गई है, नेम स्क्वेयर रूट इज नॉट डिफाइंड, राइट. क्योंकि आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे मॉड्यूल तो इम्पोर्ट किया ही नहीं है, और ये फंक्शन किस में किस मॉड्यूल का है, मैथ मॉड्यूल का है, राइट. ओके, तो इसके लिए हमें, आप जो एरर है वो कैसे हटाओगे, आप सबसे पहले इम्पोर्ट करोगे, इम्पोर्ट मैथ मॉड्यूल, राइट. और अब मैथ मॉड्यूल का स्क्वेयर रूट फंक्शन आप कैसे यूज करोगे, मैथ मॉड्यूल डॉट स्क्वेयर रूट, राइट. अब आप इसको एग्जीक्यूट करो, देखो आपका आंसर आ गया 3.0. ओके, लुक, दिस इज योर आंसर 3.0. क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले क्या किया है, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, फिर मैथ मॉड्यूल के स्क्वेयर रूट फंक्शन का यूज किया है. तो ये कौन से फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस डिफाइंड इन द मॉड्यूल. ओके,
नेक्स्ट वी हैव यूजर डिफाइंड फंक्शंस, वो फंक्शंस जो यूजर क्रिएट करता है अपने नीड के अकॉर्डिंग, राइट. फंक्शंस दैट वी डिफाइन आरसेल्व्स टू डू सर्टेन स्पेसिफिक टास्क आर रेफर्ड एज यूजर डिफाइंड फंक्शंस. वो फंक्शंस जो हम खुद क्रिएट करते हैं कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उनको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस. ओके, अ फंक्शन डेफिनेशन बिगिंस विद द डेफ शॉर्ट फॉर डिफाइन. ओके, तो जो फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो किस कीवर्ड से स्टार्ट होती है, डेफ से. ओके, जिसका शॉर्ट फॉर्म जो किसका शॉर्ट फॉर्म है डिफाइन का, राइट. डेफ स्टैंड्स फॉर डिफाइन. The syntax for creating a user defined function is as follows. तो ये हमारे पास function, user defined function का syntax है. Def function का name. ओके, पैरामीटर्स, जो भी पैरामीटर्स अगर आप फंक्शन में पास कर रहे हो. ओके, एंड जो फंक्शन का हेडर है, ओके, वो कैसे एंड होगा, वो कॉलन से एंड होगा. ओके, राइट, यहाँ पे क्या है, कॉलम. दिस इज योर फंक्शन हेडर, दिस इज योर, दिस कंप्लीट लाइन इज योर फंक्शन हेडर. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फंक्शन डेफिनेशन. ठीक है, इसको फंक्शन हेडर बोलोगे या फंक्शन डेफिनेशन आप बोलोगे. डेफ स्टैंड्स फॉर डिफाइन. ओके, राइट. अब फंक्शन की बॉडी में क्या है, जो भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने हैं फंक्शन के अंदर, फंक्शन बॉडी शुड बी इंडेंटेड विद इन द फंक्शन हेडर. अब आपको ये ध्यान रखना है, जो फंक्शन की बॉडी है वो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर होनी चाहिए. ओके, इंडेंटेड होनी चाहिए, फाइन. अगर ये बाहर हुई फंक्शन डेफिनेशन से, राइट, फंक्शन के हेडर से, तो वो फंक्शन का पार्ट नहीं मानी जाएगी, राइट. और अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो यहाँ पे आपका क्या यूज होगा, रिटर्न कीवर्ड होगा, राइट. तो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ द यूजर डिफाइंड फंक्शन. अब इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं. द फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन डेफिनेशन दैट बिगिंस विद द कीवर्ड डेफ एंड एंड्स विद द कॉलन. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो फंक्शन डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन है वो किससे बिगिन होती है, डेफ कीवर्ड से बिगिन होती है और कॉलन से एंड होती है. स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द फंक्शन एंड इट्स पैरामीटर. और फर्स्ट, जो फर्स्ट लाइन है फंक्शन की, जिसे फंक्शन हेडर कहते हैं, उसमें क्या क्या आप देते हो, फंक्शन का नेम देते हो और पैरामीटर्स, जो भी फंक्शन के अंदर आप वैल्यूज पास कर रहे हो वो. ओके, द आइटम्स एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स आर कॉल्ड पैरामीटर्स एंड दे आर ऑप्शनल. और पैरामीटर्स क्या है, ऑप्शनल है. आप देना चाहते हो फंक्शन में पैरामीटर्स, वैल्यूज आप पास करना चाहते हो तो आप पास कर सकते हो, नहीं पास करना चाहते हो तो नहीं पास करोगे, राइट. हैंस अ फंक्शन मे और मे नॉट हैव पैरामीटर्स. और फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स आप पास कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो. तो ये फंक्शन विद पैरामीटर्स भी हो सकता है और विदाउट पैरामीटर्स भी हो सकता है, राइट. विदाउट पैरामीटर्स भी फंक्शन हो सकता है. ऑल्सो अ फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न वैल्यू. और ये भी मैंडेटरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है कि आपका फंक्शन हमेशा वैल्यू को रिटर्न करे. ये वैल्यू को रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. ओके, फंक्शन हेडर ऑलवेज एंड्स विद अ कॉलन. ये मैंने अभी बताया कि फंक्शन का जो हेडर है उसको आप हमेशा कॉलन से एंड करोगे. फंक्शन नेम शुड बी यूनिक. रूल फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स ऑल्सो अप्लाइज फॉर फंक्शन नेमिंग. जो आइडेंटिफायर के लिए यूज मतलब रूल्स होते हैं, ठीक है, जो भी पाइथन के अंदर वेरिएबल्स वगैरह होते हैं उसके जो आप नेमिंग रूल्स फॉलो करते हो, वही नेमिंग रूल्स आप फंक्शन के नेम के लिए भी यूज करोगे. क्या क्या होते हैं, इट कैन नॉट बी अ रिजर्व्ड पाइथन कीवर्ड. आप फंक्शन नेम में कोई भी पाइथन का रिजर्व कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, लाइक आपने इंट, बूल, राइट, फ्लोट जैसे डेटा टाइप्स है, इनका नेम नहीं यूज कर सकते. ओके, इट शुड नॉट कंटेन वाइट स्पेस. आप ऐसे नहीं कर सकते, आपने लिखा फंक्शन एफ, मान लो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया एफ और आपने स्पेस देके लिख दिया वन, तो क्या हो गया, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं होगा फंक्शन नेम के अंदर, राइट. ओके, और फंक्शन नेम क्या होगा, इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ ए टू जी, स्मॉल ए टू जी, कैपिटल ए टू जी, 0 to 9 और अंडरस्कोर. आप इसके अंदर अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, ठीक है, आप इसके अंदर लेटर्स यूज कर सकते हो, आप इसके अंदर नंबर्स यूज कर सकते हो, फाइन. स्पेस यूज नहीं होगा, राइट. इट शुड स्टार्ट विद एन अल्फाबेट कैरेक्टर्स और एन अंडरस्कोर. और हमेशा याद रखना है फंक्शन का नेम किससे स्टार्ट होगा, या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या फिर आप अंडरस्कोर से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो, राइट. अंडरस्कोर से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो. इट शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर्स अदर देन अंडरस्कोर. और अंडरस्कोर के अलावा कोई भी दूसरा स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होगा, फाइन. समझ आ गया, तो आपको फंक्शन नेम
यूजर डिफाइंड फंक्शन में फंक्शन नेम बनाते हुए इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि एक तो वो कोई पर्टिकुलर कीवर्ड ना हो, राइट, कोई रिजर्व्ड पाइथन वर्ड मतलब कीवर्ड ना हो, उसके अंदर स्पेस ना हो, राइट, ओके, और अगर स्टार्ट होगा तो किससे होगा, लेटर से होगा या अंडरस्कोर से होगा, राइट, ओके. नेक्स्ट वी हैव the statements outside the function indentation are not considered as part of the function. तो मैंने अभी आपको बताया था जो body होती है function की वो function के अंदर intended होनी चाहिए, okay, function के अंदर ही indented होनी चाहिए, मतलब function के अंदर enclosed होनी चाहिए, अगर बाहर होगी तो function का part नहीं मानी जाएगी. A function must be called invoked to execute its code. और function कब काम करता है, कब execute करता है, जब function को call किया जाता है, जिसको हम practically करके देखेंगे, okay? Now user defined function can be of following types. User defined functions कि ये types हैं कि किस किस type के functions हो सकते हैं. Functions with no arguments, no return value. ओके, functions जिसके अंदर ना तो argument है ना ही return value है. Function with arguments, फंक्शन जिनके अंदर आर्ग्यूमेंट्स है बट रिटर्न वैल्यू नहीं है. फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू, फंक्शन जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स भी और रिटर्न वैल्यू भी है. फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू, वो फंक्शन जिसमें आर्ग्यूमेंट नहीं है एंड रिटर्न वैल्यू है. अब आपको ये ऐसे समझ नहीं आएगा, इसको हम वन बाय वन करेंगे, राइट, ओके, ओके. नाउ दिस इज आवर फर्स्ट टाइप, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, वो फंक्शन जिसके अंदर ना तो आपको आर्ग्यूमेंट पास करनी है ना ही फंक्शन कोई रिटर्न वैल्यू पास करेगा, ठीक है. द फंक्शंस दैट परफॉर्म सम एक्शन बट डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू टू द कॉलर आर कॉल्ड वॉइड फंक्शन. ऐसे फंक्शन जो कुछ फंक्शन तो जो कुछ काम तो करते हैं, राइट, लेकिन वो कॉलर फंक्शन को, कॉलर फंक्शन कौन सा, कॉलर को मतलब जिसने फंक्शन को कॉल किया है उसको कहते हैं कॉलर, बट वो कॉलर को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है. कैसे, अब देखो हम यहाँ पे समझते हैं एक एग्जांपल. ये हमारा फंक्शन है, डेफ कीवर्ड है आपका डिफाइन, ओके, फंक्शन का नेम क्या है, डिस्प्ले, राइट. अब देखो इसके अंदर हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, अगर आपको कोई आर्ग्यूमेंट पास करनी होती तो वहां यहाँ पे जाके होती, राइट. ये क्या है आपका फंक्शन हेडर, ये कंप्लीट जो है वो क्या है आपका फंक्शन हेडर, या आप कहोगे फंक्शन डेफिनेशन. इसके अंदर आपने क्या दिया है, इस फंक्शन की बॉडी के अंदर आपने दिया है प्रिंट स्टेटमेंट, और आपने दे दिया है प्रिंट में वेलकम टू द पाइथन प्रोग्रामिंग, राइट, ओके. नाउ उसके बाद आपने क्या किया, ये आपका कंप्लीट फंक्शन है, दिस इज योर कंप्लीट फंक्शन, इतना ये आपका कंप्लीट एक फंक्शन है. अब आपको इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना है, तो आपको फंक्शन को एग्जीक्यूट, आप फंक्शन को एग्जीक्यूट कैसे कराओगे, आप फंक्शन का नेम लिख दोगे सिंपली. आपने यहाँ पे लिख दिया डिस्प्ले, तो ये जो आपने नेम लिखा है वो क्या है, फंक्शन कॉल, राइट. फंक्शन कॉल का मतलब क्या होता है, इट विल इनवोक द फंक्शन, राइट. फंक्शन देखो, आप एग्जीक्यूशन देखो, इंटरप्रेटर कैसे एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेटर करता है आपका फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट, राइट. तो सबसे पहले इंटरप्रेटर गया आपकी फर्स्ट लाइन पर, राइट, लेकिन उसे वहां पे क्या मिल गया, उसको वहां पे मिल गया डेफ कीवर्ड, राइट. डेफ कीवर्ड मिलने के बाद क्या होता है, डेफ कीवर्ड इंटरप्रेटर क्या करता है, सिर्फ हेडर, जो हेडर होता है, ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन होती है, फर्स्ट लाइन होती है, उसको चेक करता है और बॉडी पार्ट को स्किप कर देता है, इसको वो चेक नहीं करता है, राइट. देन इट विल गो टू द नेक्स्ट कमांड. अब नेक्स्ट कमांड में क्या आ गया, आपकी कॉल आ गई, फंक्शन की कॉल आ गई, राइट. फंक्शन कॉल आते ही ओके, जो कंट्रोल होता है वो कहाँ चला जाता है, वो फंक्शन पर चला जाता है. फंक्शन की कॉल आते ही कंट्रोल आपका कहाँ चला जाएगा, फंक्शन की पर चला जाएगा, राइट. अब फंक्शन पे चला जाएगा मींस फंक्शन कॉल का मीनिंग होता है फंक्शन इनवोक हो गया है, राइट, ओके, एक्टिव हो गया आपका फंक्शन. अब क्या होगा, अब इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फाइन. अब बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, जो आपका रिजल्ट आ गया है वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग. समझ आया, एग्जीक्यूशन तो आपका फर्स्ट लाइन से ही स्टार्ट होगा, राइट, लेकिन जो आपका पाइथन का इंटरप्रेटर होगा वो क्या करेगा, डेफ कीवर्ड को देखेगा, तो वो सिर्फ क्या करेगा, हेडर लाइन को चेक करेगा, बॉडी को वो इग्नोर कर देगा, फिर वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में चले जाएगा बिलो द बॉडी. नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसके पास क्या आ गया, उसके पास आ गया फंक्शन कॉल, और जैसे ही फंक्शन कॉल आएगा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन पर चला जाएगा, फंक्शन हेडर पर चला जाएगा, और फंक्शन क्या करेगा, अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट कर देगा, ओके.
तो इस फंक्शन में क्या है, नो आर्ग्यूमेंट, ओके, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है आपके पास, राइट right? देखो यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं हुई है और ना ही कोई रिटर्न वैल्यू हुई है, राइट right? कोई भी वैल्यू रिटर्न हुई है, राइट right? ओके okay? अब इसको हम प्रैक्टिकली कर, राइट right. लिखा डेफ फंक्शन वन फाइन, और यहाँ पे आप प्रिंट में दे दो प्रिंट, प्रिंट में हम दे देते हैं वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ओके, एक और प्रिंट स्टेटमेंट देती हूँ मैं, प्रिंट यहाँ पे हमने दे दिया स्टार, फाइन स्टार, ओके okay. अब देखो मैं इसको क्या करती हूँ, इस फंक्शन को मैं कॉल कर देती हूँ, फंक्शन वन, राइट, आपने इसको कॉल कर दिया सिंपली, सी आपका रिजल्ट आ गया यहाँ पर, सी दिस इज योर रिजल्ट, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग एंड स्टार, ओके. तो इंटरप्रेटर ने क्या किया, पहले फर्स्ट लाइन पे गया, चेक किया, ओके, बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं किया, उसके बाद वो कहाँ पे गया, फंक्शन जो आपकी फंक्शन बॉडी के बाद जो स्टेटमेंट थी उसमें क्या है, फंक्शन कॉल है, फंक्शन कॉल जैसे ही आया तो कहाँ पे चला गया, कंट्रोल आपके फंक्शन हेडर पे चला गया और आपका फंक्शन क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो गई एंड यू गॉट द रिजल्ट, फाइन, ओके. अब देखो मैं क्या करती हूँ, कुछ फंक्शन और बनाती हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पे बनाया डेफ फंक्शन टू फाइन, और मैंने उसमें दे दिया प्रिंट एंजॉय लर्निंग, फाइन, और यहां पे मैंने प्रिंट कर दिया अगेन स्टार, फाइन, एंड मैंने एक फंक्शन और बना दिया डेफ फंक्शन थ्री, ओके फंक्शन थ्री, एंड आप उसमें प्रिंट कर दो प्रिंट बाय, इसमें हम लिख देते हैं बाय, ओके. नाउ आपने फंक्शन वन को कॉल किया यहां पर, फंक्शन टू को कॉल किया और फंक्शन थ्री को कॉल किया, राइट, तीनों फंक्शन को कॉल कर दिया, ओके. नाउ लुक एट द रिजल्ट, ये देखो आपका फंक्शन वन का जो था वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग आ गया है और स्टार आ गया है, फिर आपने फंक्शन टू को कॉल किया, ओके, तो आपका फंक्शन टू का क्या था, एंजॉय लर्निंग एंड स्टार, वो आ गया, देन फंक्शन थ्री आपने कॉल किया तो बाय आ गया, ठीक है. जिस ऑर्डर में आप फंक्शन को कॉल करोगे उस ऑर्डर में ही वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, राइट, फंक्शन का ऑर्डर ही डिसाइड करता है, अगर आप चेंज कर दोगे तो वो चेंज हो जाएगा, मैं आपको चेंज करके दिखाती हूँ. यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे पहले फंक्शन टू कर दिया, फिर फंक्शन मैंने यहाँ पे थ्री कर दिया एंड यहाँ पे मैंने फंक्शन वन कर दिया, ओके. देखो पूरा हमारा प्रोग्राम ये है, फंक्शन टू थ्री एंड वन, ठीक है. अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो इसको मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ. नौ, अब यहाँ पे देखो, सी पहले आपने फंक्शन टू को कॉल किया तो फंक्शन टू में क्या था, एंजॉय लर्निंग एंड स्टार, तो आपका आ गया एंजॉय लर्निंग एंड स्टार, ये आ गया. फिर आपने फंक्शन थ्री को कॉल किया बाय, तो आपका बाय लिखा हुआ आ गया. फिर आपने फंक्शन वन को कॉल किया, ठीक है, तो आपका वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग एंड स्टार आ गया. तो जिस ऑर्डर में आप फंक्शन को कॉल करोगे उस ऑर्डर में ही आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा फंक्शन, राइट, क्योंकि जो आपका इंटरप्रेटर होता है वो एग्जीक्यूशन कैसे करता है, वो फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू द लास्ट लाइन, लाइन वाइज एग्जीक्यूशन होता है, राइट. नेक्स्ट आपका टाइप क्या है, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स बट नो रिटर्न वैल्यू, वो फंक्शन जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट तो पास कर रहे हो आप, राइट, बट वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, ओके. तो यहाँ पे देखो ये आपका डेफ कीवर्ड है, राइट, आपके फंक्शन का नेम है एड अंडरस्कोर नंबर्स, ओके, और उसमें दो वैल्यूज क्या हो रही है, वो रिसीव कर रहा है, ठीक है, ओके, किससे, कॉलर से,
ओके कौन कौन सी, num1 एंड num2, राइट। एंड यहाँ पे क्या है, ये इसकी बॉडी है, फंक्शन की बॉडी। फाइन, अब देखो पहले कंट्रोल जाएगा आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट पे, def पे। def पे क्या करेगा, हेडर को चेक करेगा, बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और बिलो द फंक्शन चला जाएगा। तो यहाँ पे इसको जो फर्स्ट स्टेटमेंट मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो इसको मिलेगी ये एंटर नंबर वन, ठीक है। ये आपने एंटर नंबर वन इनपुट कराया यूजर से इनपुट फंक्शन की हेल्प से और इसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में इंट फंक्शन की हेल्प से, और जो भी नंबर आप एंटर कराओगे वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, नम वन वेरिएबल में। तो देखो जो फर्स्ट स्टेटमेंट आएगी वो आएगी एंटर नंबर वन, तो आपने यहाँ पे 20 दे दिया लेट अस सपोज, ओके। सेकेंड आपकी स्टेटमेंट ये वाली एग्जीक्यूट होगी एंटर नंबर टू, ओके। तो यहाँ पे देखो एंटर नंबर टू आप एंटर क्या करोगे, सेकंड नंबर को एंटर करोगे, फाइन। अब जो नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट है वो आपकी ये वाली है एड नंबर, ओके। एड अंडरस्कोर नंबर्स, ये एड अंडरस्कोर नंबर्स क्या है, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, फंक्शन को कॉल कर रहे हो, और फंक्शन को कॉल करते टाइम आप क्या कर रहे हो, दो वैल्यूज को फंक्शन में पास कर रहे हो, num1 एंड num2। num1 जो आपने यूजर से एंटर कराई है एंड num2 भी आपने यूजर से एंटर कराई है, वो दो वैल्यूज आप कहाँ पास कर रहे हो, वो आप फंक्शन के अंदर पास कर रहे हो, ठीक है। ये आपने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन का नेम यहाँ पे लिख के, और आपने क्या किया, दो वैल्यूज को पास कराया फंक्शन में, यहाँ से आपकी वैल्यूज जाएंगी फंक्शन के अंदर, ठीक है। ये आपकी फंक्शन के अंदर जाएंगी वैल्यूज, टू वैल्यूज विल गो इनसाइड द फंक्शन, फाइन। तो जब आपका कॉलर, ये क्या है, ये जो स्टेटमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलर बोलते हैं, क्योंकि फंक्शन को कॉल कर रहा है, जो वैल्यूज ये पास करता है वो उन वैल्यूज को हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे num1 एंड num2 क्या है, आर्ग्यूमेंट्स है। तो यहाँ पे num1 देखो 20 आपने पास किया, 20, ओके। एंड आपका num2 30, ओके। ये 30 कहाँ चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा यहाँ पर, ओके। मतलब फंक्शन हेडर के अंदर, फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर, राइट। और जब ये यहाँ पे फंक्शन का हेडर इसको रिसीव करता है तो ये किस नेम से रिसीव करता है, ये पैरामीटर्स के नेम से इसको रिसीव करता है, फाइन। और ये ध्यान रखना है कि num1 की वैल्यू, जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट वेरिएबल के अंदर जाएगी, जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट वेरिएबल के अंदर जाएगी, और जो सेकंड वैल्यू है वो सेकंड वेरिएबल के अंदर जाएगी, जो थर्ड वैल्यू है वो थर्ड वेरिएबल के अंदर जाएगी। जिस ऑर्डर में आप वैल्यू पास कर रहे हो उस ऑर्डर में ही वैल्यूज क्या होंगी, ट्रांसफर होंगी, फाइन। उस वैल्यू में, उस ऑर्डर में ही वैल्यूज ट्रांसफर होंगी, फाइन। तो यहाँ पे जो भी है 20 एंड 30 कहाँ चला गया, 20 num1 के अंदर चला गया एंड 30 num2 के अंदर चला गया। और फंक्शन कॉल जब आपने किया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वोक हो जाएगा, इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, num1 प्लस num2 किया है, जो कहाँ पे जाके स्टोर हो गया, सम वेरिएबल में। और आपने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट करा दिया सम को, ओके। इस फंक्शन ने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, फाइन। और क्या है, सिंपली ये एग्जीक्यूट हुआ और ये वाली स्टेटमेंट आ जाएगी आपके पास, सम इज इक्वल टू 50। समझ आया, पहले आपकी ये जो ये num1 वाली स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हुई, फिर ये सेकंड आपकी num2 वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फिर आपका फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल हुआ तो आपका क्या हुआ, वो फंक्शन इन्वोक हुआ, वो एग्जीक्यूट हुआ, उस फंक्शन के अंदर नंबर का एडिशन हुआ और सम प्रिंट हो गया, जो आपके पास एज अ रिजल्ट आ गया, फाइन। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है पाइथन रेफर्स टू द आर्ग्यूमेंट्स, क्या है, पाइथन रेफर्स टू द वैल्यूज बीइंग पास्ड एज आर्ग्यूमेंट्स, ओके। तो जो वैल्यूज पास होती है, ओके, जो कॉलर पास करता है फंक्शन को, उसको क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स अपीयर इन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, और आर्ग्यूमेंट्स कहाँ होती है, फंक्शन की कॉल स्टेटमेंट में होती है, राइट। ये फंक्शन की आपकी कॉल स्टेटमेंट है, ओके। इसके अंदर जो वैल्यूज, ओके, जो आप पास कर रहे हो उनको हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, राइट। वैल्यूज बीइंग रिसीव्ड, और जो वैल्यू फंक्शन रिसीव करता है उनको क्या कहा जाता है, पैरामीटर्स कहा जाता है। पैरामीटर्स अपीयर्स इन द फंक्शन हेडर्स, तो फंक्शन हेडर्स में जो वैल्यू रिसीव होती है उनको पैरामीटर्स कहा जाता है। और फंक्शन की जो कॉल स्टेटमेंट के अंदर वैल्यूज पास की जाती है, ओके, उनको आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है, राइट, ओके। तो फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, डेफ, राइट। ये मेरा फंक्शन का नेम है, मैंने ले लिया एड नंबर्स, ओके। इसमें मैंने ले लिया num1 एंड num2, राइट, फाइन, ओके। तो हम इसको बाद में भी लिख सकते थे पैरामीटर्स को,
लेकिन मैंने अभी इसको पहले ही लिख दिया है फंक्शन डेफिनेशन के अंदर ही कि मैं इसके अंदर दो वैल्यूज क्या करवाऊंगी, पास करवा दूंगी। और मैंने यहाँ पे ले लिया सम num1 प्लस num2, राइट, प्रिंट सम इज, और यहाँ पे हमने दे दिया वैल्यूज की सम। अब देखो, अब हमने क्या किया, num1 को एंटर कराते हैं, ये हमारा क्या है, आउटसाइड फंक्शन है, इंट इनपुट, और इनपुट में आप एंटर कराओ एंटर नंबर वन, देन num2 इंट इनपुट एंटर नंबर टू, फाइन। अब देखो मैंने यहाँ पे फंक्शन पहले क्रिएट कर लिया, राइट। आप क्या कर सकते थे, पहले आप ये स्टेटमेंट्स भी लिख सकते थे और लेटर ऑन आप क्या कर सकते थे, फंक्शन को क्रिएट कर सकते थे, फाइन। आप फंक्शन आप कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हो, ओके। नाउ अब मेरा फंक्शन है एड नंबर्स, मैं इसको क्या करूंगी, कॉल करूंगी तो सिंपल एड अंडरस्कोर नंबर्स, ओके। और इसमें मैं कौन से आर्ग्यूमेंट्स पास करूंगी, कौन सी वैल्यूज पास करूंगी, num1 एंड num2, जो हमने कहां से ली है, जो हम यूजर से एंटर कराएंगे, ठीक है, num1 num2, ओके। अब मेरी ये जो num1 की वैल्यू है वो कहां चली जाएगी, वो मेरी num1 की वैल्यू चली जाएगी num1 के पास, राइट, यहाँ पे, और num2 की वैल्यू मेरी चली जाएगी num2 के पास, फाइन। इसी और जिस ऑर्डर में आप वैल्यूज को पास कराओगे उसी ऑर्डर में आपकी वैल्यूज क्या करेगा, पैरामीटर रिसीव करेगा। यहाँ पे आपका num1 एंड num2 क्या है, आर्ग्यूमेंट्स, ओके, एंड num1 या और या फंक्शन डेफिनेशन में, और यू कैन से फंक्शन हेडर में आपका num1 एंड num2 क्या है, पैरामीटर्स, फाइन, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। सी आपके पास प्रॉम्प्ट आ गया, एंटर नंबर वन, मैंने लेट अस सपोज यहाँ पे कर दिया 30, ओके। अब ये एंटर नंबर टू, मैंने नेक्स्ट नंबर एंटर करा दिया 40, राइट। आपके पास रिजल्ट आ गया है सम इज 70, राइट, ये आपका रिजल्ट आ गया, सम इज 70। तो देखो इस फंक्शन के अंदर क्या है, आपने आर्ग्यूमेंट्स तो पास किए हैं, ओके, ये आपने आर्ग्यूमेंट तो पास किए हैं, बट आपका जो फंक्शन है वो कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी वेरिएबल रिटर्न नहीं कर रहा है, देयर इज नो रिटर्न, ओके। तो क्या, कौन सा फंक्शन हो गया आपका, जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट तो पास हो रहे हैं पर रिटर्न वैल्यू पास नहीं हो रही है, ओके। अब यहाँ पे देखो, मैंने आर्ग्यूमेंट्स के और पैरामीटर्स के दोनों के नेम सेम लिए हैं, आप दोनों के नेम डिफरेंट भी ले सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया ए, ओके, और यहाँ पे ले लिया बी, राइट, इसको कर देते हैं ए, ओके, एंड इसको कर देंगे हम बी, राइट। अब यहाँ पे देखो हमारे पैरामीटर्स और ये देखो आपके आर्ग्यूमेंट्स क्या है, num1 एंड num2, और आपके पैरामीटर्स क्या है, ए एंड बी। तो num1 की वैल्यू कहाँ जाएगी, ए के अंदर जाएगी, num2 की वैल्यू कहाँ जाएगी, बी के अंदर जाएगी। जिस ऑर्डर में आप वैल्यू पास करते हो उस ऑर्डर में ही वैल्यू रिसीव होती है, फाइन, ओके। नाउ अब आप इसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है, तो क्या होगा, क्या कोई डिफरेंस आएगा रिजल्ट में, नो, एडिशन आएगा आपका सेम, आपको नंबर वन एंटर कराना है, मैंने यहाँ पे 60 करा दिया, नंबर वन एंटर, नंबर टू मैंने अगेन 60 करा दिया, ओके। तो आपका रिजल्ट देखो, यहाँ पे आपका सम आ गया है 120, फाइन, दिस इज योर रिजल्ट, सम इज 120, ओके। तो आपकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं और पैरामीटर्स हैं, आप उसके नेम सेम भी रख सकते हो और आप उसके नेम्स डिफरेंट भी रख सकते हो, ओके। नेक्स्ट आपका है फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू, वो फंक्शन जिसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर रहे हो और वो फंक्शन वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है, ओके। तो आपने यहाँ पे देखो फंक्शन बनाया है एड अंडरस्कोर नंबर्स, राइट,
ओके, और ये क्या है, फंक्शन की बॉडी है। तो सबसे पहले आपका इंटरप्रेटर कहाँ जाएगा, डेफ कीवर्ड के पास जाएगा, मतलब फर्स्ट लाइन पे जाएगा, फर्स्ट लाइन में उसे डेफ कीवर्ड मिलेगा। ओके, वो फंक्शन हेडर को चेक करेगा और फंक्शन बॉडी को इग्नोर करके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट एंटर नंबर वन। ओके, इनपुट फंक्शन से आप क्या करोगे, प्रॉम्प्ट प्रिंट कराओगे एंटर नंबर वन, राइट। तो आपने यहाँ पे दिया 40, जो क्या हो जाएगा, इन फंक्शंस को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अदरवाइज 40 वो कैसे रिसीव होगा, एज अ टेक्स्ट रिसीव होगा, लेकिन हम इन फंक्शन का इसलिए यूज करते हैं जिससे वो क्या करे, न्यूमरी डेटा में चेंज हो जाए। फाइन, नेक्स्ट आपका आएगा एंटर नंबर टू, आपने 70 यहाँ पे एंटर करा दिया। फिर आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फंक्शन कॉल है, आपने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, राइट। और फंक्शन को कॉल जब आपने किया है तो फंक्शन कॉल में आपने क्या किया, टू और आर्ग्यूमेंट्स को पास किया है, फाइन, नम वन को और नम टू को, जो आपने यूजर से एंटर कराए। ओके, तो जैसे ही आप फंक्शन कॉल करोगे आपका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन पे चला जाएगा, फंक्शन के हेडर पे चला जाएगा, और वैल्यूज पास हो जाएंगी। नम वन एंड नम टू आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू कहाँ चली जाएंगी, ए एंड बी के अंदर, पैरामीटर्स के अंदर चली जाएंगी, राइट। फिर फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फंक्शन की बॉडी के अंदर क्या हुआ, ए प्लस बी, ओके, एंड उसकी वैल्यू कहाँ चलेगी, वेरिएबल एस के अंदर, और वेरिएबल एस क्या हो गया, रिटर्न हो गया। ओके, अब वेरिएबल एस कहाँ चला जाएगा, वेरिएबल एस अगेन चला जाएगा फंक्शन कॉल वाले स्टेटमेंट पे, और फंक्शन कॉल की जगह क्या आ जाएगा, वेरिएबल एस की वैल्यू, ये इसको ओवरराइट कर देगा। मतलब यहाँ पे अब ये जो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है वो हट जाएगी और क्या आ जाएगा, इसके प्लेस पे आ जाएगा जो भी स्टेटमेंट रिटर्न होके आई है, राइट। ओके, तो यहाँ पे आप इसको लगा लो, ये एस यहाँ पे आ गया है। ओके, और सम के अंदर क्या इनिशियलाइज हो गया है, एस की वैल्यू, जो भी एस के अंदर वैल्यू है, फाइन। एंड देन फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है, उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगी, प्रिंट स्टेटमेंट, सम ऑफ टू नंबर्स इज सम, फाइन। तो यहाँ पे आपके पास आ गया, सम ऑफ टू नंबर्स इज 110, समझ आ गया। एस रिटर्न होके आया किसके पास, कॉलर के पास। ओके, कॉलर के पास एस रिटर्न होके आया, तो जो ये कॉल स्टेटमेंट थी ये हट जाएगी, इसको ऑक्यूपाई कर लेगी रिटर्न वैल्यू, और रिटर्न वैल्यू क्या है हमारी, एस, जो भी वैल्यू इसके अंदर स्टोर है, और वो किस में इनिशियलाइज हो जाएगी, सम वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज हो जाएगी, फाइन। ओके, देखो, द रिटर्न स्टेटमेंट एंड्स अ फंक्शन एग्जीक्यूशन इवन इफ इट इज इन द मिडल ऑफ द फंक्शन। तो ये क्या कह रहा है, रिटर्न स्टेटमेंट जैसे ही आएगी वैसे ही फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। ओके, चाहे वो फंक्शन मिडल में हो, उसके बाद कोई भी और एक्स्ट्रा स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी, राइट। इफ द कॉल्ड फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू हैज अ स्टेटमेंट लाइक वेरिएबल रिटर्न वेरिएबल वैल्यू एक्सप्रेशन रिटर्न एस रिटर्न 40 और रिटर्न ए प्लस बी एसेट्रा, देन द कंट्रोल विल जंप बैक टू द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। तो ये क्या कह रहा है, अगर कोई फंक्शन रिटर्न करता है कोई भी वैल्यू या एक्सप्रेशन या वेरिएबल कुछ भी रिटर्न करता है, तो कंट्रोल कहाँ चला जाता है, फंक्शन की कॉल स्टेटमेंट पे चला जाता है, ठीक है। जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट आई, कंट्रोल कहाँ चला गया, फंक्शन की कॉल स्टेटमेंट पे चला गया, एंड होल फंक्शन कॉल इज रिप्लेस्ड विद द रिटर्न वैल्यू टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। और जो फंक्शन कॉल होती है वो हट जाती है, उसके प्लेस पर रिटर्न स्टेटमेंट आ जाती है। ओके, द रिटर्न वैल्यू मस्ट बी यूज्ड एट द कॉलिंग प्लेस बाय स्टोर इट इन अ वेरिएबल। तो जो रिटर्न वैल्यू रिटर्न होके आती है, आप उसको कैसे यूज करोगे, आप या तो उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो, या आप उसको प्रिंट स्टेटमेंट में, प्रिंट फंक्शन में यूज कर लो, या आप उसको किसी एक्सप्रेशन में यूज कर लो, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स को भी पास करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना कमेंट ले लेते हैं, वैल्यू बींग रिटर्नड कैन बी अ, जो वैल्यू रिटर्न करेगा फंक्शन वो क्या हो सकता है, कोई लिटरल हो सकता है, लिटरल मतलब कोई भी वैल्यू नंबर, ओके, 5, 6, 7, 8 एनी नंबर, ओके, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, फाइन, और एन एक्सप्रेशन, राइट, या फिर कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। यहाँ पे मैं अपनी फंक्शन की डेफिनेशन देती हूँ, डेफ एड अंडरस्कोर नंबर, ओके, और इसमें हम पास कर लेंगे, इसमें हम क्या रिसीव कराएंगे, पैरामीटर्स रिसीव कराएंगे, ओके, एंड लेट अस सपोज जो मैं इसके अंदर पैरामीटर रिसीव कराऊंगी वो है ए एंड बी,
राइट, और मैंने यहाँ पे ले लिया a प्लस बी, जो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, s के अंदर, राइट, s में स्टोर हो जाएगा, और ये फंक्शन क्या रिटर्न कर देगा, ये फंक्शन रिटर्न कर देगा s को, ओके, s को रिटर्न कर देगा, तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, वेरिएबल, ओके, वेरिएबल बीइंग रिटर्न्ड, राइट, ये तो मेरा फंक्शन बन गया है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को वैल्यूज को एंटर कराना है, जो मैं फिर लेटर ऑन फंक्शन में पास कराऊंगी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया num1 इक्वल टू int इनपुट, राइट, और इसमें आप दे दो एंटर नंबर 1, फाइन, और हम ले लेते हैं num2 इक्वल्स टू int इनपुट एंटर नंबर 2, ओके, हमने वेरिएबल लिया sum इक्वल्स टू add अंडरस्कोर नंबर्स फंक्शन, नंबर फंक्शन है हमारा, ओके, एस लगा देते हैं, चलो कोई बात नहीं, नंबर ही कर देते हैं, ओके, और ये इसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट्स पास कर दी num1 num2, राइट, ओके, एंड देन प्रिंट करा दिया, प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स इज sum of two numbers sum, okay, now look, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है आपका जो इंटरप्रेटर है वो फर्स्ट आपके पास जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट पर, राइट, ओके, क्योंकि कैसे इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट्स को, वन बाय वन फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंडिंग, राइट, ओके, तो यहाँ पे डेफ कीवर्ड को देखिए क्या करेगा, ये सिंपली हेडर को चेक करेगा, बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फिर ये num1 के पास जाएगा, ओके, num1 के पास जाएगा तो आपके पास आ जाएगा एंटर नंबर 1, आप नंबर 1 को एंटर कराओगे, फिर ये num2 वाली स्टेटमेंट पे जाएगा, आप एंटर नंबर 2, आपके पास प्रॉम्प्ट आएगा, आप नंबर 2 को एंटर कराओगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी फंक्शन कॉल, यहाँ पे आपने फंक्शन को कॉल किया है और दो आर्ग्यूमेंट्स को फंक्शन कॉल के थ्रू पास किया है, num1 एंड num2, num1 कहाँ चला जाएगा, a के अंदर चला जाएगा, num2 कहाँ चला जाएगा, b के अंदर चला जाएगा, ओके, ये क्या चले जाएंगे, फंक्शन हेडर में एज अ पैरामीटर रिसीव हो जाएंगे, फाइन, और जैसे ही फंक्शन कॉल आएगी फंक्शन इनवोक हो जाएगा और फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, राइट, फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे a प्लस बी एड होगा और आप उसके बाद क्या होगा, रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से क्या होगा, s रिटर्न हो जाएगा, s कहाँ रिटर्न हो जाएगा, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था वहां पे, अब यहां से क्या होगा, ये एड फंक्शन जो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है वो हट जाएगी, इसके प्लेस पर क्या आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी, राइट, और s की वैल्यू किसमें इनिशियलाइज हो जाएगी, सम के अंदर इनिशियलाइज हो जाएगी और आपने सम को प्रिंट करा दिया, ओके, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराती हूँ, सी, अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, अब देखो आगे आपका एंटर नंबर 1, ओके, आपने इसको कर दिया 20, नेक्स्ट आपका आ गया एंटर नंबर 2, इसमें आपने करा दिया 50, ठीक है, ये देखो आपके पास आ गया 70, फाइन, ओके, पहले आपका आया एंटर नंबर 1, राइट, एंटर नंबर 1, देन एंटर नंबर 2, फिर आपकी फंक्शन कॉल हुई, फंक्शन कॉल होने पर आपका जो कंट्रोल था वो कहाँ चला गया, फंक्शन डेफिनेशन पे चला गया, ओके, फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, उसने क्या रिटर्न किया, उसने वेरिएबल रिटर्न किया, वो वेरिएबल कहाँ पे जाके इनिशियलाइज हुआ, वो वेरिएबल यहाँ पे आ गया, ओके, इस स्टेटमेंट को हटा के अब क्या आ गया, जब रिटर्न स्टेटमेंट हुई तो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू आ गई है एस की, जो कि इसमें चली गई है, सम में इनिशियलाइज हो गई है, फिर आपने सम को प्रिंट करा दिया है, फाइन, ओके, तो ये आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने देखा है कि कैसे एक फंक्शन के अंदर वैल्यूज रिटर्न भी कर रहे हो और आप आर्ग्यूमेंट्स को पास भी कर रहे हो, ओके, एक हमारा नेक्स्ट क्या था, अगर रिटर्न के बाद आप फंक्शन के अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो, ठीक है, तो क्या वो एग्जीक्यूट करेगी, जैसे मैं इसी को ले लेती हूँ, मैंने यहाँ पे इसको हटा देते हैं,
रिटर्न के बाद मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दी, प्रिंट फंक्शन फिनिश। अब देखो इसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्या ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी? देखो आपके पास एंटर नंबर बना गया है, आपने 20 दे दिया, एंटर नंबर 2 30 दे दिया, आपके पास रिजल्ट आ गया 50, राइट? तो यहाँ पे जो आपने रिटर्न स्टेटमेंट के बाद फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट के बाद जो प्रिंट स्टेटमेंट दिया था ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, राइट? ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट के बाद क्या होता है, रिटर्न कहाँ चला जाता है? कॉलर के पास चला जाता है, कॉलिंग स्टेटमेंट के पास चला जाता है, यहाँ चला जाता है, फाइन? इसके नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट उसके बाद नहीं करती, फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है, फाइन? अब यहाँ पे मैंने क्या था, वेरिएबल को रिटर्न किया था, वेरिएबल की जगह मैं क्या कर सकती हूँ, कंप्लीट एक्सप्रेशन को रिटर्न कर सकती हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ से इसको हटा दिया, ओके, एंड सिंपल यहाँ पे कर दिया रिटर्न ए प्लस बी, ओके, ए प्लस बी एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी कमेंट दे देते हैं, एक्सप्रेशन इन्वॉल्व विंग, एक्सप्रेशन में क्या है, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स बीइंग रिटर्न, ओके। तो कौन सा एक्सप्रेशन रिटर्न हो रहा है जिसके अंदर क्या है, वेरिएबल्स है, लिटरल्स नहीं है, वेरिएबल्स है, ओके। बाकी का हमारा फंक्शन एज इट इज है, फाइन। यहाँ पे सिंपल क्या हुआ है, पूरा एक्सप्रेशन ए प्लस बी रिटर्न हुआ है, जो कहाँ चला जाएगा, जो कॉलिंग स्टेटमेंट को ओवरलैप करेगा और कॉलिंग स्टेटमेंट की प्लेस पर आ जाएगा जैसे रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया आपका एंटर नंबर 1, आपने 20 दे दिया, एंटर नंबर 2 मैंने 50 दे दिया, तो मेरा रिजल्ट आ गया 70, फाइन। तो इन प्लेस ऑफ द वेरिएबल आई हैव रिटर्न एक्सप्रेशन हियर, यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन को रिटर्न किया, ओके। अब यहाँ पे देखो रिटर्न जो स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जो रिटर्न वैल्यू होती है उसको आप यूज कर सकते हो, या तो आप उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा दो, जैसे हमने यहाँ पे करवाया है, उसको सम वेरिएबल में स्टोर करा दिया है, राइट? या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट के साथ उसको यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, प्रिंट फंक्शन को डायरेक्ट यूज कर लिया, ओके। यहाँ पे मेरी प्रिंट स्टेटमेंट आ गई, तो मैं इसको क्या करती हूँ, इसको हटा देती हूँ यहाँ से, राइट? क्या किया मैंने, डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है, ओके। जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो कहाँ आ जाएगी, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट को ओवरलैप कर देगी, मतलब उसके प्लेस पर ही आ जाएगी आपकी ए प्लस बी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको प्रिंट स्टेटमेंट में यूज कर लिया है, उसको देखो एग्जीक्यूट करो, आ गया है, कोई चेंज नहीं, आपने यहाँ पे दे दिया नंबर 1 20, 40 नंबर 2 एंड दिस इज योर रिजल्ट 60, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, जो भी रिटर्न स्टेटमेंट है उसका यूज कर सकते हो, आप उसको किसी वेरिएबल में इनिशियलाइज कर सकते हो, आप उसको प्रिंट फंक्शन में यूज कर सकते हो, या फिर आप उसको किसी एक्सप्रेशन में भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं इसको चाहती हूँ, जो मेरी रिटर्न वैल्यू है उसको मैं किसी एक्सप्रेशन में यूज कर दूं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, वेरिएबल ले लिया, सम इज इक्वल टू दिस, ओके, एंड मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन कर दिया 2 × 2, जो भी रिटर्न वैल्यू होगी उसमें क्या होगा, इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, वो किससे मल्टीप्लाई हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, और उसके बाद मैंने कर दिया प्रिंट सम, राइट? इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखो फर्स्ट नंबर आपका आ गया 30, सेकेंड आपने दे दिया 10, अब देखो अब वैसे आपके आना था 40, लेकिन क्या आया है 80, राइट? आपका रिजल्ट क्या आया है, 80 आया है, क्योंकि क्या हुआ, जो भी आपका आया था 40 जो आपका आया था वो किससे मल्टीप्लाई हो गया, वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो आपने क्या किया, रिटर्न स्टेटमेंट को आपने एक्सप्रेशन के अंदर यूज कर लिया। तो रिटर्न स्टेटमेंट को आप किसी सम के अंदर इनिशियलाइज कर सकते हो, प्रिंट स्टेट फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो, या आप उसको यूज कर सकते हो किसी भी एक्सप्रेशन में, ओके। तो इस तरीके से आप प्रिंट स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो, ओके।
सो द नेक्स्ट फंक्शन इज फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू. वो फंक्शन जिसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट पास नहीं करोगे लेकिन फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट. तो यहाँ पे हमारा इंटरप्रेटर फंक्शन की हेडर लाइन पे जाएगा, ओके, एंड फंक्शन की बॉडी को इग्नोर कर देगा, राइट. इसके बाद ये जाएगा रिजल्ट वाली लाइन पे. यहाँ पे हमने क्या दिया है, फंक्शन कॉल किया है और फंक्शन कॉल का रिजल्ट हमने, फंक्शन कॉल का जो भी वैल्यू आएगी फंक्शन कॉल करने पर, वो वैल्यू कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, रिजल्ट वेरिएबल के अंदर, फाइन. तो देखो यहाँ पे हमने एड अंडरस्कोर नंबर्स को फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है. जैसे ही कॉल करेंगे कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, इंटरप्रेटर का कंट्रोल चला जाएगा फंक्शन पे, राइट. और फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वोक हो जाएगा फिर, और फिर वो एग्जीक्यूट करेगा, फाइन. तो यहाँ पे फिर क्या होगा, जैसे ही इन्वोक हुआ, जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन इन्वोक हुआ, तो क्या होगा, आपके पास आ जाएगा एंटर फर्स्ट नंबर, राइट. ये आपका आउटपुट होगा, एंटर फर्स्ट नंबर, आपने एंटर कर दिया 30, ओके. देन आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ओके. आप इनपुट करा रहे हो यूजर से वैल्यू, एंटर सेकंड नंबर, आपका ये प्रॉम्प्ट आ जाएगा, एंटर सेकंड नंबर, ओके, 50, ओके. इंट फंक्शन आपको पता है, जो भी आप वैल्यू एंटर करते हो वो एज अ स्ट्रिंग इनपुट फंक्शन लेता है, बट आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी डेटा टाइप में. तो यहाँ पे हम इंट यूज कर रहे हैं, फाइन, ओके. अब आपने दो वैल्यूज दे दी 30 एंड 50, नम वन और नम टू की, और वो क्या होगा, उन दोनों का एडिशन होगा और वो सम वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा. इसके बाद आपका एड अंडरस्कोर नंबर्स फंक्शन रिटर्न कर देगा सम की वैल्यू. जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट आएगी तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, अगेन कहाँ पे चले जाएगा, कॉलिंग स्टेटमेंट के पास. कॉलिंग स्टेटमेंट आपकी ये वाली है, तो यहाँ पे इसको क्या, इसको हटा के, कॉलिंग स्टेटमेंट को हटा के क्या आ जाएगा, सम की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ओके. और सम की वैल्यू यहाँ पे आने के बाद वो क्या होगा, रिजल्ट में वो इनिशियलाइज हो जाएगी, मतलब रिजल्ट में सम की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, फाइन. नेक्स्ट आपने क्या किया है, प्रिंट स्टेटमेंट दिया है, सम ऑफ टू नंबर्स इज रिजल्ट, तो आपका आ गया सम ऑफ टू नंबर्स इज 80, फाइन. इसको हम प्रैक्टिकली भी कर लेते हैं, ओके. सो लेट अस स्टार्ट. डेफ कीवर्ड दिया है हमने, राइट, एंड फंक्शन नेम दे दिया, एड नंबर्स कॉलन, ओके. इसके अंदर हम दे देंगे नम वन इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर सेकेंड नम टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, ओके. आप दो नंबर एंटर करा लोगे, वो हमने क्या कर दिया, सम वेरिएबल दिया, उसमें ले लिया नम वन प्लस नम टू, राइट. एंड देन आपका फंक्शन रिटर्न कर देगा सम की वैल्यू, रिटर्न सम, फाइन, ओके. तो अब हम क्या करते हैं, हमने एक वेरिएबल लिया यहाँ पे रिजल्ट, ओके. हमने वेरिएबल क्यों लिया है, क्योंकि फंक्शन कॉल जब होगा, ओके, तो फंक्शन जब रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा, वो कहाँ आके स्टोर होगी, वो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट को हटा के रिटर्न वाली वैल्यू यहाँ पे आके स्टोर होगी. तो वो रिटर्न वैल्यू हम क्या चाहते हैं, वो रिटर्न वैल्यू रिजल्ट वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाए, फाइन. तो मैंने इसको क्या किया है, फंक्शन कॉल को इनिशियलाइज कर दिया है विद द वेरिएबल, ठीक है. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ वीडियो में कैसे करना है, फाइन, ओके. नाउ प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स इज, और यहाँ पे हम दे देंगे रिजल्ट की वैल्यू, फाइन. इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ओके. अब प्रॉम्प्ट पे आ गया एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ 30, लेट अस सपोज. एंटर सेकंड नंबर, यहाँ पे अगेन मैं कर देती हूँ 30, राइट. ये आपका रिजल्ट आ गया, सम ऑफ टू नंबर इज 60. लुक एट दिस, आपका फर्स्ट आया एंटर फर्स्ट नंबर 30 आपने दे दिया, ओके. एंटर सेकंड नंबर 30 दे दिया, एंड सम ऑफ टू नंबर 60, राइट.
इसका प्रोसेस मैं आपको समझा चुकी हूँ। इंटरप्रेटर पहले फर्स्ट लाइन पे जाएगा, डेफ देखकर वो क्या करेगा, इसको इग्नोर कर देगा। फिर वो क्या जाएगा, फंक्शन के बाद वाली स्टेटमेंट पे जाएगा, तो इस पे जाएगा। यहाँ पे क्या है, हमने फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन कॉल किया है इसलिए कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन पे चला जाएगा और फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो आपके पास फर्स्ट आपका स्टेटमेंट आएगा, एंटर फर्स्ट नंबर, आपने फर्स्ट नंबर एंटर करा दिया, वो num1 वेरिएबल में चला गया। फिर आपके पास आएगा एंटर सेकेंड नंबर, जो num2 वेरिएबल में चला गया। फिर एड अंडरस्कोर नंबर्स, फंक्शन ने क्या किया, इन दोनों को एड करके सम वेरिएबल में क्या किया, उसको डाल दिया और फिर रिटर्न कर दिया सम। ओके, सम रिटर्न होके कहाँ आएगा, कॉलिंग स्टेटमेंट पे आएगा। अब यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन जो था, आप जो कॉलिंग फंक्शन स्टेटमेंट थी वो हट जाएगी और इस प्लेस को कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, जो वैल्यू रिटर्न होके आई है। फाइन, तो यहाँ इसको ऑक्यूपाई कर लेगा सम, और वो सम की वैल्यू हमने किस में इनिशियलाइज कर दी, किस में डाल दी, रिजल्ट में, और हमने रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। ओके, तो ये आपने कौन सा फंक्शन किया है, जिसके अंदर आप, कौन सा फंक्शन है, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स बट रिटर्न वैल्यू। ओके ओके, नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वॉइड फंक्शन। राइट, जो भी फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा उसको बोलेंगे नॉन वॉइड फंक्शन। और अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता, कॉलर को कॉलिंग स्टेटमेंट के पास वैल्यू रिटर्न होके नहीं आती, तो वो फंक्शन होता है वॉइड फंक्शन। राइट, तो अभी हम क्या करेंगे, वॉइड फंक्शन करते हैं। वैसे तो हम पहले भी कर चुके हैं वॉइड फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ वॉइड फंक्शन का, उसके लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले रही हूँ। देखो यहाँ पे जो मैं पहले मैं कमेंट दे रही हूँ, एवरी वॉइड फंक्शन रिटर्न्स वैल्यू None to its caller, right? मैंने क्या बताया, जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करते हैं उनको नॉन वॉइड फंक्शन कहते हैं, और जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते उनको वॉइड फंक्शन कहते हैं। राइट, तो मैंने यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखा है, एवरी वॉइड फंक्शन रिटर्न वैल्यू नन टू इट्स कॉलर, मतलब जितने भी वॉइड फंक्शन है जो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे, ठीक है, कॉलर को, ओके, वो क्या करते हैं, वो नन वैल्यू रिटर्न करते हैं। राइट, बट वो आपको दिखती नहीं है, कब तक नहीं दिखेगी, जब तक कि आप उसको प्रिंट नहीं कराओगे। फाइन, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मैं इसको प्रिंट करा रही हूँ दिखाने के लिए कि जो भी वॉइड फंक्शन है, नॉन रिटर्निंग फंक्शन है, ओके, वो भी नन वैल्यू रिटर्न करते हैं। राइट, तो मैंने यहाँ पे ले लिया डेफ, और ये मेरा फंक्शन का नाम है ग्रीट। ओके, राइट, मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, हेलो, फाइन, प्रिंट करा दिया हेलो, और आपने यहाँ पे ग्रीट को कॉल किया। अब मैंने सिंपल कॉल किया है, ठीक है, तो सिंपल हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, देखो आपके पास रिजल्ट आ गया हेलो। फाइन, ग्रीट फंक्शन को कॉल किया तो ग्रीट फंक्शन इन्वोक हुआ और हेलो आ गया। लेकिन मैंने यहाँ पे ऊपर क्या स्टेटमेंट दी है, एवरी वॉइड फंक्शन ओके रिटर्न्स वैल्यू। ये क्या है, वॉइड फंक्शन है क्योंकि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, लेकिन ये वैल्यू रिटर्न करता है। कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, नन रिटर्न करता है, कॉलर को। फाइन, तो आपको ये देखनी है कि कैसे, देखो मैं आप दिखाती हूँ। आपने क्या किया, यहाँ पे जो कॉल किया है फंक्शन को, उसको हमने कर दिया इक्वल्स टू कोई भी वेरिएबल ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे वाई ले लिया वेरिएबल, और प्रिंट करा दिया वाई को। फाइन, तो अब देखो यहाँ पे मैं पहले दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे देखो ग्रीट क्या, ये आपने फंक्शन कॉल किया है, फंक्शन कॉल करोगे तो ये इन्वोक होगा और क्या होगा, आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये फंक्शन क्या करेगा, जो वॉइड फंक्शन है, ये नन वैल्यू रिटर्न करेगा कॉलर को, यहाँ पर नन वैल्यू रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, नन, ये जो आपका कॉलिंग स्टेटमेंट है ये हट जाएगा और नन इसके प्लेस पे आ जाएगा, और नन कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, वाई वेरिएबल में, और हमने उसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब मैं देखो इसका रिजल्ट दिखाती हूँ आपको। आप देखो, लुक एट द स्क्रीन, यहाँ पे देखो हेलो आया हुआ है बिकॉज आपका ये फंक्शन क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। ओके, एग्जीक्यूट हुआ, उसके एग्जीक्यूशन के बाद आपके इस फंक्शन ने क्या किया है, नन वैल्यू रिटर्न की है किसको, कॉलर को।
ओके तो नन वैल्यू को हमने वाई वेरिएबल में स्टोर कर दिया, फिर वाई को प्रिंट करा दिया, तो यहाँ पे देखो एनओ एनी नन, नन आया हुआ है राइट तो क्या है void फंक्शन नन वैल्यू रिटर्न करता है कॉलर को। आप void फंक्शन में भी रिटर्न कीवर्ड को यूज कर सकते हो, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो, नॉट कीवर्ड, रिटर्न स्टेटमेंट को आप यूज कर सकते हो किसमें, void फंक्शन में भी, लेकिन यहाँ पे क्या है आप इसको एम्प्टी स्टेटमेंट, एज अ एम्प्टी स्टेटमेंट आप इसको यूज करोगे, फाइन, इसके साथ आप कोई भी वैल्यू या कोई भी एक्सप्रेशन यूज नहीं करोगे, ओके ओनली रिटर्न, फाइन। अब यहाँ पे देखो मैंने रिटर्न लिखा है, ओके अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, देखो कोई चेंज नहीं है राइट तो आप void फंक्शन में भी रिटर्न स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो, बट क्या डिफरेंस है, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट के साथ कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी लिटरल रिटर्न नहीं होता, राइट ओके। एंड रिटर्न जो आपका जो फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करता है, वो नन वैल्यू रिटर्न करता है कॉलर को, कॉलर क्या होता है जो आपका कॉलिंग स्टेटमेंट है उसको, फाइन। So here we have done what is function, what are the different types of functions, what are the different types of user defined functions. Okay, now we will meet in next video. If you like my video, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.